कल लखनऊ का एक युवक आयुष सिंगल गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में पहुंचा। उसने अमन मणि त्रिपाठी पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाते हुए सीएम से शिकायत की थी। आयुष के मुताबिक सीएम योगी ने उसके कागजात उठाकर फेंक दिए और किसी भी तरह की कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। लखनऊ के डीएम कौशल राज से जब इस मामले पर सवाल किए गए तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद देखें। इनके द्वारा जो जमीन 2014 में खरीदी गई है, इनके आरोप थे कि पिछली गवर्नमेंट में श्री अमन मणि त्रिपाठी के दबाव में जिला प्रशासन इनकी पैमाइश नहीं करा रहा है। इनके द्वारा एसडीएम कोर्ट में 2014 में वाद दाखिल किया गया था। 21 मार्च 2016 को नई गवर्नमेंट बनने के बाद इनके द्वारा एक सीएम ऑफिस में शिकायत की गई। उसकी शिकायत का तुरंत संज्ञान लेके इनकी पैमाइश पूरी कराई गई। जुलाई में उसकी अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गई। उसके बाद 2-3 बार दोबारा इन्होंने आईजीआरएस पे जब जब कंप्लेन की, तब तब उसकी पैमाइश टोटल स्टेशन मशीन के द्वारा और पुलिस बल की प्रेजेंस में कराई गई। इसके बाद जो एसडीएम कोर्ट का जो मुकदमा था वो भी डिस्पोज कराया गया। 19 मार्च को जब इन्हें लगा कि इनका मुकदमा इसके अगेंस्ट डिसाइड हो गया है, तब से इन्होंने दोबारा से एक कुचक्र का सहारा लेना शुरू किया और शासन प्रशासन को बदनाम करने की कोशिश की गई कि इन्हीं विधायक की दबाव में प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जबकि यही आरोप ये पिछली गवर्नमेंट में लगाते थे, यही आरोप इन्होंने 10 दिन से दोबारा लगाने शुरू कर दिए। अमन मणि त्रिपाठी ने भी अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी। ये कहने की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसमें कोई विषय कुछ नहीं कर सकता जब तक कोर्ट में है। कोर्ट में है, कोर्ट में रहेगा, और जब तक माननीय न्यायालय कुछ फैसला नहीं देता कि यह जमीन किसकी है, तब तक भाई साहब कुछ नहीं हो सकता। हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से हम उसके बाद जब हम पैदा हुए, पैदा होने के बाद से हमने उस जमीन को देखने का काम किया और जमीन हमारी थी, है, जो भी है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।